बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 3 बाय जैक आर मेरेडिथ। हमने पिछले लेक्चर में बात की जी प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होते हैं और फंक्शनल मैनेजर क्या होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी कंपेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड फंक्शनल मैनेजर्स। सो इन दोनों के कंपैरिजन की बात करते हैं। हमने डिसाइड किया था कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स वो होते हैं जो प्रोजेक्ट को ओवरसी कर रहे होते हैं, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं, और फंक्शनल मैनेजर्स को हमने वो कहा था जो उस प्रोजेक्ट में डिफरेंट फंक्शंस को लीड कर रहे होते हैं, वो फंक्शनल मैनेजर्स हो सकते हैं। सो अभी डिफरेंस देखते हैं कि फंक्शनल मैनेजर्स क्या, व्हाट डू दे नीड। फंक्शनल मैनेजर्स नीड टेक्निकल स्किल्स, ये पहला एस्पेक्ट आ गया जी फंक्शनल मैनेजर का। मैं एचआर मैनेजर हूँ, फंक्शनल मैनेजर हुआ, अगर मुझे एचआर एक्टिविटीज़ का नहीं पता, मुझे जॉब एनालिसिस नहीं करना आता, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का नहीं पता, सिलेक्शन प्रोसेसेस का नहीं पता, तो क्या मैं प्रोजेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट कर सकता हूँ? आंसर कम्स नो। सो मेरे पास एचआर जो मेरा फंक्शनल एरिया है उसकी टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। बट प्रोजेक्ट मैनेजर्स नीड निगोसिएशन स्किल्स। सो बंदे रखने का काम प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए उसका एचआर मैनेजर कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं लाइक बजट्स को लेना, सपोर्ट को हासिल करना, रिसोर्सेज को एक्वायर करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है। सो ही नीड्स व्हाट, डजंट नीड दैट टेक्निकल स्किल, बट ही नीड्स द निगोसिएशन स्किल्स। दूसरे पॉइंट पे आते हैं जी, फंक्शनल मैनेजर्स शुड बी मोर स्किल्ड एट एनालिसिस। जो तमाम डिफरेंट एनालिसिस हमें रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी बिजनेस प्रोसेस को रन करने के लिए, उसमें स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है फंक्शनल मैनेजर के लिए। और प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी मोर स्किल्ड एट सिंथेसिस। सिंथेसाइज करना किसको कहते हैं? हम चीज़ों को जब इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। सो एक प्रोजेक्ट मैनेजर एज अ होल चीज़ों को देखने में निस्बतन ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, जबकि फंक्शनल मैनेजर अपने फंक्शन में एनालिसिस का स्किल्ड होना चाहिए। वो स्किल्ड एनालिसिस प्रोजेक्ट मैनेजर को देगा और उन सारे डिफरेंट एनालिसिस को सिंथेसाइज करके डिसीजन मेकिंग कौन कर सकता है? दैट माइट बी द प्रोजेक्ट मैनेजर। देन फंक्शनल मैनेजर यूजेज द एनालिटिक अप्रोच, प्रोजेक्ट मैनेजर यूजेज सिस्टम अप्रोच। अब ये दो अप्रोचेस की हम बात कर रहे हैं, पहले देख लेते हैं एनालिटिक अप्रोच। एनालिटिक अप्रोच क्या होती है कि चीज को बड़े से किस में तकसीम किया जी, ये देखें, अब ये बड़ी सी चीज़ थी उसके हमने कितने हिस्से बना दिए? 3 हिस्से बना दिए, और फिर हम इसको देख रहे हैं और इसको फिर हमने फर्दर 2 हिस्सों में बना दिया। ये कौन सी अप्रोच है जी? ये एनालिटिक अप्रोच है, जहाँ पे हम लार्जर से स्मॉलर एस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं। अब सिस्टम अप्रोच किसको हम कहते हैं? जहाँ पे हम इंटर रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस को, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। सो अगर इसी को मैं रिवर्स करके इकट्ठा करता जाता हूँ तो ये कौन सी अप्रोच होगी जी? दैट इज़ अ सिस्टम अप्रोच। बेसिकली मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम सिस्टम अप्रोच को यूज़ करते हैं। और सिस्टम क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर्स जिनसे हैं वो ज़्यादा रिलाई करते हैं, दे शुड बी गुड एट इट। और जो एनालिटिक अप्रोच है अपने स्पेसिफिक फंक्शन के हवाले से, उसमें फंक्शनल मैनेजर्स के पास स्किल होनी चाहिए। देन बात करते हैं जी, फंक्शनल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्मॉल एरिया। जैसे स्मॉल एरिया हमने यहाँ पर बात की थी जी, मार्केटिंग की, एचआर की, फाइनेंस की। तो मैं मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट हूँ, आप एचआर के हैं, तीसरा बंदा फाइनेंस का है, वो एक स्मॉल एरिया हो गया जिसकी डोमेन को वो फंक्शनल मैनेजर देख रहा है, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिग पिक्चर। तो ये पूरी की पूरी, अगर ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये तमाम फंक्शंस आ गए, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर इन सब का रिस्पॉन्सिबल आपको नजर आएगा। फंक्शनल मैनेजर्स एक्ट एज मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर्स। सो मैनेजर्स के पास डिमांड्स आती हैं, वो डिमांड्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स के पास आते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर उनको फैसिलिटेट करते हैं तमाम जरूरियात के हवाले से, ताकि वो फंक्शन सही परफॉर्म हो सकें। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि ये मैनेजर्स के तौर पे ओवरसी करते हैं दूसरों की एक्टिविटीज़ को और उनकी नीड्स को, और प्रोजेक्ट मैनेजर उन सब को, तमाम फंक्शंस को फैसिलिटेट करने वाला शख्स हो सकता है। इसी को आगे लेकर चलते हैं। फंक्शनल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्मॉल एरिया,
सो फंक्शनल मैनेजर क्या हो गए जी, स्मॉल एरिया के रिस्पॉन्सिबल हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिग पिक्चर. सो स्मॉलर एस्पेक्ट किसी प्रोजेक्ट का वो उस मैनेजर ने किया, फंक्शनल मैनेजर ने, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आती है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आती है. फंक्शनल मैनेजर एक्ट्स एज डायरेक्ट टेक्निकल सुपरवाइजर्स उस काम के, और प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर्स एंड जर्नलिस्ट. इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं. सो दिस कंक्लूड्स द कंपैरिजन बिटवीन अ फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं. सो इससे आगे चलते हैं. थ्री मेजर क्वेश्चंस फेसिंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स. जो भी कोई प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है उसके लिए जो सबसे बड़े सवाल उसके सामने आते हैं वो तीन बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं. ठीक है जी. सो ये तीन क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट नीड्स टू बी डन ये जनाब पहला सवाल है. तो ये बेसिकली इसका जवाब क्या आता है, प्लान. ठीक है, कि क्या क्या करना है. जैसे हमने कहा ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी और सी करेंगे तो काम पूरा होगा. तो व्हाट नीड्स टू बी डन का जवाब आ गया. दूसरा आता है व्हेन इट मस्ट बी डन. ए कब होना चाहिए, ये देखिए मैं एक छोटी सी चीज बनाता हूं. ये हमने स्टार्ट किया, इसके बाद हमने चले, मैं इसको नाम भी देता हूं आपके लिए. ये स्टार्ट था, ये ए एक्टिविटी हुई है, ये बी है और ये सी है. ठीक है, और देन इसके बाद ये क्या आ गई, एक और एक्टिविटी डी. लेकिन डी कब खत्म हो, कब शुरू होगा, जब ए खत्म होता. चलें जी, डी शुरू करने के लिए ए और बी का पहले खत्म होना जरूरी है. देन हमारे पास एक और एक्टिविटी आ जाती है ई. ई कब खत्म होगी, शुरू होगी जब सी खत्म होता है. और देन आखिरी एक्टिविटी हमारे पास आ गई एफ, और एफ डी और ई के खत्म होने के बाद होगा. तो ये क्या हो गया जी, सीक्वेंस में पहले ए होगा, उसी के पैरेलल बी और उसी के पैरेलल सी भी चल सकता है, लेकिन डी ए और बी के खत्म होने के बाद होंगे और ई सी के खत्म होने के बाद होगा, और एफ डी और ई के खत्म होने के बाद होगा. ये क्या जवाब आ गया जी, व्हेन इट मस्ट बी डन. सो ये हमारा प्लान के हवाले से क्या आ गया जी, ये टाइम फ्रेम आ गया. इसको हम स्केड्यूलिंग भी कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में. देन हाउ आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू डू द जॉब टू बी ऑब्टेन्ड. सो ए को करने के लिए हमारे पास रिसोर्स क्या होने चाहिए. ठीक है जी, फर्स्ट करें हम मकान की बुनियादें बना रहे हैं तो उसमें कितना सीमेंट, कितनी बजरी, कितनी ईंटें लगनी है, कितना सरिया लगना है, ये क्या होगी, ये रिसोर्स रिक्वायरमेंट होगी. इसके साथ मजदूर कितने लगेंगे, मिस्त्री कितने लगेंगे. सो क्या है कि रिसोर्सेज किस तरह से हमने ऑब्टेन करने हैं, ये एक मेजर क्वेश्चन किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को फेस करना पड़ता है. आगे चलते हैं जी, प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं. अब प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो कई हैं. सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट. अब वो किसके लिए काम कर रहा है, पहली बात पेरेंट कंपनी, यानी जिस कंपनी के बिहाफ पे वो शख्स काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी तरफ हुई, उस पेरेंट कंपनी की तरफ हुई, कि उनके ऑब्जेक्टिव्स को वो मीट करने में अपना एक सपोर्टिव रोल प्ले करे. दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी किसकी हुई, टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट और जिस बंदे के लिए वो प्रोजेक्ट कर रहा है. ठीक है जी, और देन तीसरी बात प्रोजेक्ट टीम, यानी उस प्रोजेक्ट के जो मेंबर्स हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दैट पर्सन, टुवर्ड्स दैट टीम भी हो सकती है. सो इन्हीं तीनों को हम थोड़ा सा देखने की बात करते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले सबसे बात करते हैं जी, पेरेंट कंपनी की. टुवर्ड्स द पेरेंट कंपनी जिसके लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसकी तरफ उस प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. प्रॉपर यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, क्या आ गया जी, प्रॉपर यूजेज ऑफ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज हमें मिलेंगे वो कॉस्टली हो सकते हैं, उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है वो मेरी जिम्मेदारी है. जस्ट एक एग्जाम्पल, मैं आपको एक पेज देता हूँ और उसमें से कहता हूँ कि ये तीन शेप्स कट करें, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस तीन शेप्स को इस अंदाज में कट करें कि आपका मटेरियल कम से कम इस्तेमाल हो, आपका टाइम कम से कम मिले. दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग अ रिसोर्स एट इट्स एफिशिएंट लेवल,
ताकि बाकी पेज को हम किसी और एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसी एग्जांपल को आप ऑर्गेनाइजेशन पे पुट कर सकते हैं। देन दी टाइमली एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ठीक है। सो जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, उसका एक स्केड्यूल है, उसकी एक कॉस्ट है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसके लिए जो भी रिपोर्ट्स बनेंगी उसकी प्रोग्रेस की, वो डेली रिपोर्ट्स हो सकती हैं, वीकली रिपोर्ट्स हो सकती हैं, मंथली रिपोर्ट्स हो सकती हैं, वो टाइमली और एक्यूरेटली वो प्रेजेंट करने का जिम्मेदार है उस कंपनी को। देन कीप प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इन्फॉर्म्ड, वो लोग जिन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाया हुआ है उनको तमाम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट उस देने का जिम्मेदार कौन है, दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजर। सो ये तीनों जो उसके बेसिक फंक्शंस हुए दैट आर टूवर्ड्स द पेरेंट कंपनी। देन अब हम आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट एंड द क्लाइंट। सो प्रोजेक्ट के हवाले से और क्लाइंट के हवाले से क्या बात आएगी, प्रिजर्व द इंटेग्रिटी। व्हाट इज द इंटेग्रिटी, प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये ना हो कि जी हम रिसोर्सेज ऐसे यूज कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट प्रॉपर दे नहीं रहे और उसमें हमें नुकसान होता जा रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के चांसेस बहुत कम है। जैसे ही ये चीज इंफॉर्मेशन कहीं पर लीक हुई प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। उस प्रोजेक्ट को चलते रखना, उसको कंप्लीशन तक लेकर जाना, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोजेक्ट की तरफ भी और क्लाइंट की तरफ भी जिसके लिए ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सो ही मस्ट प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। सो दिस मे बी डिफिकल्ट विद ऑल साइड्स वांटिंग चेंजेस। जैसे फर्ज करें जी मैं एक मकान बनवा रहा हूँ तो उसके हवाले से ठेकेदार कहता है कि ऐसे होना चाहिए, मैं कहता हूँ ऐसे होना चाहिए, मैं कहता हूँ ये ईंट इधर से निकाल के उधर लगा दो, उधर लगा दो। सो ये एक एग्जाम्पल है कि जिसमें प्रोजेक्ट में एट टाइम हम डिफरेंट डिमांड्स अपनी चेंज करते रहते हैं, उन चेंजेस को मीटअप करना और प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर। सो कीप द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड ऑफ मेजर चेंजेस। सो एट टाइम्स कुछ चीज़ें, जैसे फर्ज करें जी मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा हूँ और आप कुछ रिपोर्ट्स मांग रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जी टेक्निकली हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कि हम इस किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकें, इसमें से तीन तो हो जाएंगे, ये दो नहीं हो सकती, इन दो रिपोर्ट्स को हमें थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो ये क्या होगी, प्रोजेक्ट के हवाले से चेंज होगी जिसके बारे में मुझे उस क्लाइंट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। और इसी के हवाले से आखिरी बात जो हम करते हैं दैट इज़ द प्रोजेक्ट टीम, वो लोग जो इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोजेक्ट टीम। सो उनकी तरफ एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वेरी फ्यू पीपल विल वर्क फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर, बाकी सारे लोग तनख्वाह पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को अपने तौर पे परफॉर्म करेंगे। सो बहुत हद तक लॉयल्टी का स्टेटस उस तरह से मौजूद नहीं होता, द टीम विल डिसबैंड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। एक चीज़ हकीकत है कि जैसे प्रोजेक्ट हमने कहा था इट्स अ टेम्पररी एंडेवर, डेफिनेट स्टार्ट डेफिनेट एंड, तो जब प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें लोग रखेंगे, प्रोजेक्ट जब ख़त्म होगा तो उन लोगों को बाय बाय कहना पड़ेगा। सो टीम जो सी है वो डिसमेंटल होती हुई आपको नजर आती है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट लुक आउट फॉर एवरीवन्स फ्यूचर कि यार ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो हम दूसरे जो लोग यहाँ से फारग होते हैं क्या हम उनको किसी और प्रोजेक्ट पे भेज सकते हैं या अपने ही किसी प्रोजेक्ट पे रीहायर कर सकते हैं, वट एवर। सो दिस इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, अदरवाइज एज द प्रोजेक्ट वेंट्स डाउन एवरीवन विल बी लुकिंग आफ्टर themselves। तो ये एक जनरल सा फिनोमेना है कि जैसे ही प्रोजेक्ट जो है वो क्लोजर की तरफ चले जाते हैं तो उनके लोगों की प्रायोरिटीज जो हैं वो शिफ्ट होने लग पड़ती हैं टूवर्ड्स द अदर एक्टिविटीज के वो अपने फ्यूचर को किस तरह से सेव कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट एंड फंक्शनल मैनेजर, उसके डिफरेंसेस की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। अपने लेक्चर को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्ट मैनेजर के करियर पाथ्स के हवाले से कुछ बात करेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।